दीपिका सिंह और अनस रशीद स्टारर टीवी शो दिए और बाती हम तो आपने देखा ही होगा, जिसमें नजर आए सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था, जिनमें एक नाम शो में नजर आए छोटू का भी शामिल है, जिन्होंने अपने जबरदस्त किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। इसलिए तो आज भी छोटू दर्शकों के फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दमदार किरदार से सभी का दिल जीतने वाले आपका छोटू आज कितना बड़ा हो चुका है, क्या करता है और कैसा दिखता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले इस चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल दिया और बाती हम में छोटू का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार का असली नाम आर्यन शर्मा है, जो एक बाल कलाकार के साथ साथ नर्तक और कोरियोग्राफर भी है। टेलीविजन पर उनकी शुरुआत लेडी स्पेशल थी। दिया और बाती हम में छोटू की भूमिका निभाने से पहले आर्यन सब टीवी के रिंग गलत रिंग में बंटी के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए शोमेकर्स ने इन्हें दिया और बाती हम में काम करने का मौका दिया, जहां छोटू अनपढ़ लड़के सूरज का एक कर्मचारी और करीबी दोस्त है। और इनका ये किरदार कई दिनों और प्रशंसाओं का दिल जीत गया और इन्होंने अपने रोल के लिए खूब प्रसिद्धि भी हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धारावाहिक में छोटू का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट इन बीते सालों में क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? जी हाँ, जब इस सीरियल में आर्यन की एंट्री हुई थी तो ये उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे और वर्तमान में ये बाल कलाकार आज 13 साल के हो चुके हैं और इन 5 साल के अंदर ये काफी ज्यादा बदल गए हैं। अब देखने में ये पहले के मुताबिक काफी हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं। शुरुआत में इनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, पर अब इन बीते सालों में इनके लुक्स ड्रेसिंग स्टाइल में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी आए दिन अपने स्टाइलिश फोटोज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, जैसे कि आप इनके 5 साल पहले और अब की फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वेल, आपको छोटू यानी कि आर्यन का ये बदला हुआ चेहरा कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।